हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं सामान्य ज्ञान में के बारे में। इसमें हम लोग इतिहास टॉपिक लिए हुए हैं। इतिहास में लास्ट लेक्चर में बात की थी हम लोगों ने 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में। आज बात करेंगे हम लोग नागरिक एवं गैर आदिवासी विद्रोहों के बारे में। नागरिक एवं गैर आदिवासी विद्रोह, याद रखिए आपके जितने भी चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित, वो सभी आपको एक जगह मिल जाएंगे। वो है आपकी अपनी सामान्य ज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट सूची। ये आपका विद्रोह का नाम है, जिस सन में हुआ, वर्ष है, प्रभावित क्षेत्र हैं, नेतृत्व करता है, कारण है जिस कारण से हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं सन्यासी विद्रोह। कौन सा? सन्यासी विद्रोह ये हुआ था आपका 1763 से 1800 ईस्वी तक। सन्यासी विद्रोह आपका 1763 से 1800 के बीच में हुआ। इससे प्रभावित क्षेत्र थे आपके बंगाल एवं बिहार। नेतृत्व करता थे इसके कैना सरकार और दिरजी नारायण। कैना सरकार, दिरजी नारायण। इसका कारण था तीर्थ यात्रा कर लगाना। वाकिम चंद चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है सन्यासी विद्रोह का समय काल क्या है, 1763 से 1820 ईस्वी के बीच। इससे प्रभावित क्षेत्र कौन से थे? बंगाल, बिहार। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? कैना सरकार और दिजी नारायण। किस कारण से हुआ था? तीर्थ यात्रा पर कर लगाने से। इस सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आपका वाकिम चंद चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं फकीर विद्रोह। इसका समय है 1776 से 77। इससे प्रभावित क्षेत्र था आपका बंगाल। इसके नेतृत्व करता थे मजनू शाह, चिराग अली, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। ठीक है, इसके कारण थे कारवारित सैनिक, विस्थापित किसान एवं बेदखल जमींदारों को सरकारी अधिकारियों एवं धनान्यों लोगों के प्रति आक्रोश के कारण हुआ था। ठीक है, फिर आपका चुआर विद्रोह। ये हुआ आपका 1766 से 1772 तक। इससे प्रभावित क्षेत्र थे बंगाल, बिहार के ढाल भूम। इसके नेतृत्वकर्ता थे आज्ञा जगन्नाथ ढाल और गंगा नारायण दुर्जन सिंह। यही जो चुआर विद्रोह का एक और समय काल है, 1795 से 1816। दो बार हुआ, दो समय में। ठीक है, केलापाल इसी से संबंधित है। इसका कारण था आपका अकाल एवं बढ़ते हुए भूमि कर के कारण हुआ था। फिर है आपका पाइक विद्रोह। इसका समय काल है 1804 से 1817 और 1817 से 1825। इससे प्रभावित क्षेत्र था आपका उड़ीसा। इसके नेतृत्वकर्ता थे खुर्दा के राजा, बाद में जगबंधु थे। ठीक है, इसका कारण था जमींदारों के अधीन लगान मुक्ति मुक्त भूमि के भोगी खुर्दा एवं सैन्य वर्ग पाइकों द्वारा अंग्रेजों की उड़ीसा पर कब्जा एवं उनके भू राजस्व नीति के खिलाफ विद्रोह था। फिर था आपका कट्टा बोमन का विद्रोह। ये 1722 में और 1799 में दो बार हुआ। तिरुनलवेली तमिलनाडु इससे प्रभावित क्षेत्र था। इसका कारण था वीर पांड्या अंग्रेजों द्वारा पन्नलकुरिचा के राजा को अधीनता स्वीकार कराने का प्रयास किया गया, इसी कारण हुआ था। फिर आपका विजयनगरम राजा का विद्रोह। ये आपका 1794 में हुआ। उत्तरी सरकार के जिले से प्रभावित थे।
इसके नेतृत्वकर्ता थे विजयनगर के राजा। इसका कारण था अंग्रेजों द्वारा राजा से सेना भंग करने एवं 3 लाख रुपया भेंट देने की मांग अस्वीकृत करने पर राजा की जागीर जब्त कर ली गई। फिर फौलीगरों का विद्रोह, यह आपका 1799 से 1801 तक हुआ। इससे प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु, तमिलनाडु का मालाबार एवं तटीय आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु मालाबार के नेतृत्वकर्ता थे कट्टा वामान और तटीय आंध्र प्रदेश में नारायण राव। इसका कारण था अंग्रेजी भूमि कर व्यवस्था तथा बकाया ना चुकाने पर जमींदारी जब्त करना। फिर आपका मैसूर का विद्रोह, ये आपका 1800 से 1831 तक चला। इससे प्रभावित था मैसूर। इसके नेतृत्वकर्ता थे सरदार भल्ला। इसका कारण था बॉडेयर शासक ने सहायक संधि से उत्पन्न वित्तीय दबाव को दूर करने के लिए जमींदारों से अधिक राजस्व की मांग की थी, इसी कारण हुआ था। फिर आपका त्रावणकोर के दीवान बेलू थम्पी का विद्रोह 1808 से 1809 तक। इससे प्रभावित क्षेत्र था त्रावणकोर और यहाँ के नेतृत्वकर्ता थे बेलू थम्पी। इसका कारण था सहायक संधि द्वारा लगाया जाने वाल लगाया सहायक कर देने में आनाकानी और रेजिडेंट का दृष्टापूर्ण व्यवहार तथा दीवान को हटाने की मांग की गई थी, ठीक है, इसी कारण हुआ था। फिर आपका सौराष्ट्र के सरदारों का विद्रोह, यह आपका 1816 से 1819 के बीच हुआ। इससे प्रभावित क्षेत्र थे आपके कच्छ एवं काठियावाड़। इसके नेतृत्वकर्ता थे राव भारमाल। इसका कारण था अंग्रेजों की विस्तार की नीति तथा कच्छ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से उत्पन्न अंग्रेजों के प्रति घृणा। रामोसी विद्रोह, ये आपका 1822 से 29 के बीच हुआ। इसके क्षेत्र थे पूना पश्चिमी घाट। इसके नेतृत्वकर्ता थे चित्तूर सिंह और उमाजी। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने पेशवा के क्षेत्रों में अधिकार कर रामोसियों को बेरोजगार कर दिया था, इसी कारण हुआ था। फिर आपका कोलियों का विद्रोह, ये आपका हुआ 1824 से 25 के बीच। फिर हुआ आपका 1828 में, 1829 में, 1828 में, 1839 में, 1849 में, 4 बार। इससे प्रभावित क्षेत्र रहा है आपका गुजरात। इसके नेतृत्वकर्ताओं की बात करें तो भाऊसरे चिमनाजी यादव, नाना दरबारी, रघु बंगरिया, बापू बंगरिया आदि। इसका कारण था अंग्रेजों द्वारा दुर्गों के तोड़े जाने तथा बेगार हो जाने के विरोध में विद्रोह था, ठीक है। केतूर का विद्रोह 1824 से 29 के बीच। इससे प्रभावित क्षेत्र था धारवाड़ के निकट। इसके नेतृत्वकर्ता थे कित्तूर की रानी चिनंगमा और रायप्पा। इसका कारण था शिवलिंग रुद्र देसाई की मृत्यु के बाद कोई भी उत्तराधिकारी न होने पर अंग्रेजों ने गोद लिए गए पुत्र को राजा नहीं माना, इसीलिए हुआ था। सतारा विद्रोह 1841 में हुआ, सतारा में। इसके नेतृत्वकर्ता थे धार राव पवार और नरसिंह पाटीकर। इसका कारण था सतारा के राजा प्रताप सिंह को अंग्रेजों ने हटा दिया था, इसी कारण हुआ था। गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ। इसके से प्रभावित क्षेत्र था आपका कोल्हापुर। इसके नेतृत्वकर्ता थे कृष्णदाजी पंडित। इसका कारण था कोल्हापुर राज्य में प्रशासनिक पुनर्गठन से वंशानुगत सैनिक जाति गडकरी की छटनी कर दी गई थी, इसी कारण हुआ था। फिर आपका सावंतवाड़ी विद्रोह, यह 1839 से 45 के बीच हुआ। इससे प्रभावित क्षेत्र था सावंतवाड़ी। इसके नेतृत्वकर्ता थे फोन सावंत और अन्ना साहेब। इसका कारण था सावंतवाड़ी के राजा खेम सावंत को हटाकर प्रशासन को
को एक अंग्रेज अधिकारी को सौंपना इसी कारण हुआ था। फिर है आपका अलीगढ़ के तालुकदारों का विद्रोह 1814 से 17 के बीच अलीगढ़ में। इसके नेतृत्व करता थे दयाराम भगवंत सिंह। इसका कारण था मालगुजारी बढ़ाने के विरोध हुआ था। फिर आपका जबलपुर के बुंदेलों का विद्रोह 1842 में हुआ है। इससे प्रभावित क्षेत्र थे आपके जबलपुर, आगरा, दमोह। इसके नेतृत्वकर्ता थे मधुकर साय और जवाहर सिंह। इसका कारण था अंग्रेजों की भू राजस्व की नीति। फिर था आपका फैराजी का आंदोलन 1838 से 51। इसे प्रभावित क्षेत्र थे पूर्वी बंगाल। यहाँ के नेतृत्वकर्ता थे हाजी सरयतुल्ला और दादू मियाँ या मोहम्मद मुसीम। इसका कारण था अधिक राजस्व निर्धारण एवं बेदखली। इस संप्रदाय के समतावादी सिद्धांत के अनुसार जमीन पर केवल ईश्वर का अधिकार है। फिर हुआ आपका संबलपुर का विद्रोह 1827 से 40 के बीच। इससे प्रभावित क्षेत्र थे आपके उड़ीसा। इसके नेतृत्वकर्ता थे सुरेंद्र साई। अंग्रेजों द्वारा जबलपुर में आंतरिक मामले में हस्तक्षेप के कारण हुआ था। फिर आपका वहावी आंदोलन, ये आपका 1820 से 1870 के बीच हुआ। इससे प्रभावित क्षेत्र थे आपके रोहेलखंड में शुरुआत, बाद में ये उत्तर पश्चिम बंगाल, उत्तर पश्चिम भारत, बंगाल, बिहार में विस्तार हुआ, इसका फैलता गया। इसके जो नेतृत्व करता हुए रायबरेली के सैयद अहमद, विलायत अली, मौलवी नसीरुद्दीन, इनायत अली, मकसूद अली, मोहम्मद हुसैन। इसका कारण था इस्लाम धर्म का पुनरुद्धान, अंग्रेजों को बाहर खदेड़ना, मुसलमान सत्ता की पुनर्स्थापना इसके प्रमुख कारण थे। फिर हुआ आपका पागलपंथी विद्रोह। कौन सा? पागलपंथी विद्रोह 1825 से 1833। इससे प्रभावित क्षेत्र था आपका शेरपुर, पूर्वी बंगाल। इसके नेतृत्वकर्ता थे करम शाह एवं टीपू। कौन थे? करम शाह एवं टीपू। इसका कारण था धार्मिक, राजनीतिक, जमींदारों के छोटे किसानों पर किए गए अत्याचार के कारण हुआ था। कूका आंदोलन 1845 से 72 तक, यह आपका पंजाब में हुआ था। कहाँ? पंजाब था इससे प्रभावित क्षेत्र। इसके नेतृत्वकर्ताओं की बात करें वो तो भगवत जवाहरमल मियाँ साहब, बालक सिंह, राम सिंह। ये सिर्फ गुरु गोविंद सिंह को ही अपना गुरु मानते थे, राम सिंह। इसका कारण था होने का सिख धर्म में सुधार, राजनीतिक सिख प्रभुसत्ता की पुनर्स्थापना। ठीक है। फिर हुआ आपका फड़की का विद्रोह। कौन सा? फड़की का विद्रोह, यह आपका 1879 में हुआ। महाराष्ट्र से प्रभावित क्षेत्र था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे वासुदेव बलवंत फड़के। इसका कारण था राष्ट्रपति की संपत्ति का दोहन एवं अकाल, राष्ट्र की संपत्ति का दोहन एवं अकाल, पुनः हिंदू राज की स्थापना का विचार। तो ये थे आपके नागरिक एवं गैर आदिवासी विद्रोह। आगे हम लोग देखेंगे आदिवासी विद्रोहों के बारे में। ठीक है।